ये देखिए कांटे होते इसमें, ये देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तरुण और मैं जा रहे हैं गांव की तरफ। फ्रेंड्स, हमें एकदम से ही हमारा घर का प्रोग्राम बना, अभी एकदम से घर के लिए निकलना पड़ रहा है और टाइम क्या हुआ, 3 बज गया, तो काफ़ी थक गया, बहुत सारा सामान है और धूप भी बहुत तेज़ है, ऊपर से बहुत तीखी धूप है। वो इतनी तेज धूप है ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा तेज हो गई, मेरे को तो होने वाला है सनबर्न मोटा ही। 325 पे करता हूं, अगर मैं अगर फ्री जैसे हुआ कहीं साइड में लगा दी मैंने, जाती हूं मैं तो मैं आपको। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं संजौली। तो ये देख सकते हो आप, ढेंगू माता मंदिर, दर्शन कर लीजिए माता के। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं अब डायरेक्ट मिलती हूँ कोटखा या फिर घूमा में ही। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं घूमा। हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं आज, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। तो अभी हम आए हैं कंवर्स किचन में, ये घूमा में एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है। तो फ्रेंड्स, हमने अपने लिए ऑर्डर किए मोमोज, एंड मोमोज काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे। फर्स्ट टाइम ही मैंने यहाँ पर ट्राई किया, काफ़ी अच्छा मुझे ये जगह लगी है। आप भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बस खा पी के फ्री हो गए हैं एंड चले हैं अब घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमें पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो चुकी थी एंड अभी हम घर की तरफ चले हैं। एंड आपको पता है आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। एंड ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर पे पहुंचा था ये इतना मोटा बिल्ला, इतनी मोटी बिल्ली फर्स्ट टाइम मैंने देखी है। ये बहुत, इसमें वीडियो में इतनी ज़्यादा मोटी नहीं लग रही, बहुत ही ज़्यादा मोटी बिल्ली थी ये। देखिए, आई थिंक ये बिल्ला था, ये देख सकते हो आप। इसको इतना अच्छा लग रहा था ना मसाज करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है घर पे मेरा नेक्स्ट डे एंड अभी मैं तरुण और छोटी मम्मी के साथ हम जा रहे हैं खेत में, क्योंकि अभी हमने ना थोड़े पर्सिमन तोड़ने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पेड़ में लगे हैं ये फ्रेश पर्सिमन। तो अभी इन्होंने जो पके थे उनको हम तोड़ने आए हैं। ये देखिए कितने अच्छे यहाँ पे पर्सिमन लगे हैं हमारे पेड़ में, थोक में लगे थे फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा लगे थे क्या ही बताऊँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने खेत में थोड़ी सी मक्की बीज रखी है, अभी अच्छे से लगी नहीं है, छोटी छोटी मक्खियाँ लगी है। और ये है बंगजीरी, जो सिड्डू में हम फिलिंग के लिए डालते हैं, वो भी थोड़ी सी बंगजीरी हमने बीज रखी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गांव का मंदिर है, भीमा काली माता और लांकड़ा वीर महाराज जी का मंदिर। अभी यहाँ पर थोड़ा काम चला है, अभी बन रहा है ये कीवी का पेड़ है एंड ये होते हैं मीठे करेले, ये भी लगे यहाँ पे बहुत सारे मीठे करेले। इनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है ये मीठे करेलों की। ये देखिए, ये देखिए कांटे होते हैं इसमें, ये देखिए। मैं तो उसको ऐसे भी खा सकती हूँ, मीठे होता है, टेस्टी होता है। और ये है अरबी के पत्ते, ये तो देखिए होगा आपने, इसके नीचे अरबी लग गई होगी, काफ़ी अरबी। ये देखो, ये है गलगल, गलगल लगे हैं ये। झटका लगा थोड़ा, ऐसे कर। मेरे को नहीं आ रहा तोड़ना, कैसे तोड़ के देख, मेरी तोड़ने के लिए पकड़ ले, कैसे तोड़, तोड़ना सिखा रहा है, तोड़ो खींच ले अपनी साइड से, ऐसे ही कैसे घुमाया नहीं, वही तो बोले ये तो पूरा टूट गया, ये टूटने है तो यही बोल रहा हूं मैं, इस कार ये कुछ नहीं पक्का, सेब का होता है वो। ओहो, मेरे को लगा ये है, ये तो टूट ही जाता है मुझसे, इसका बीनने का नहीं होता पंगा, इसके बीनने का नहीं है, मैं तो टूट गई थी पे होगी, अब दे देगा दीपा बस। अच्छा, लाल लाल कलर के ना वो तोड़ना, नाइस।
तो फ्रेंड्स नीचे की तरफ से हमने ऑलमोस्ट पर्सिमन तोड़ दिए थे, बट अभी हरे हरे ही नीचे पर्सिमन रह गए थे। हम नहीं चाहते थे कि अभी इनको हम तोड़े, इसीलिए ऊपर जो पके हुए पर्सिमन थे उनको तोड़ने के लिए ना छोटी मम्मी पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे, और हमें तो बिल्कुल भी पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है पेड़ पे चढ़ने का। तो ऊपर से ये हमें तोड़ तोड़ के दे रहे थे और नीचे हम बैग्स को पकड़ रहे थे। तो यहाँ पे हमने 3 बैग पर्सिमन तोड़ दिए थे फ्रेंड्स, और आप देख सकते हो ये अभी अच्छे से पके नहीं है, कुछ दिनों में ये खुद से पक जाएंगे। तो ये मैं 2 बैग्स उठा के चली हूँ अब घर की तरफ। यहाँ पे ना मैं अच्छा सा पोज दे रही थी थंबनेल के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं घर की ओर चली हूँ। यहाँ से ना मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट का रास्ता है सीधा सीधा, और फ्रेंड्स मैं घर पहुँच गई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस बार की हमारी ये कीवी जो लगी थी काफ़ी अच्छी लगी है, अभी ये हरी है, पकी नहीं है। और ये कुछ पर्सिमन जो हमने पहले के तोड़ रखे थे, और ये है गोल्डन सेब, ये काफ़ी टेस्टी होते हैं, रसीले होते हैं खाने के लिए, बहुत टेस्टी होते हैं। तो आज के वीडियो इतनी फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।